एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड टेक अ पॉइंट पी ऑन इट। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन इट। हमें परपेंडिकुलर क्या बनानी है इस पर, पी क्यू एक लाइन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ए बी। एक हमने क्या की, ए बी लाइन को क्या कर दिया है, स्केल से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, स्केल से हमने ए वी लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, प्लेस द मेटल पॉइंट। ठीक है, प्लेस द, इस पर हमने बीच में कहीं भी हमने क्या दे दिया, पी दे दिया इसको मैम। ठीक है, चाहे तो आप इधर भी दे सकते हो या इधर भी दे सकते हो। ठीक है, हमने बीच में ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पी पर क्या रखेंगे, ये मेटल पॉइंट रखेंगे। और ठीक है, और हम क्या करेंगे, ए बी पर जो पी पॉइंट है उस पर हमने क्या रखा, इसको अब हम क्या करेंगे, सेंटर मानकर क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। अपने मन से कोई हमने कन्वीनियंट रेडियस ले ली कोई भी, सपोज हमने यहाँ से इसके, अब आप इस कंपास से, राउंडर से जितनी भी रेडियस लोगे उतनी ही का आर्क आपको दोनों साइड लगाना है। तो ये हमने ये ले ली थी, एक लगा हमारा इस साइड, एक वही हमने इधर लगा दिया। ठीक है, एक इधर और एक इस साइड। ओके, अब क्या करेंगे हम, एल और एम को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, इनको हमने नेम दे दिया, एल और एम जो हमने आर्क लगाए हुए थे हमने उनको नेम क्या दे दिया, एल दे दिया और एक दे दिया एम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एल और एम को मेजर करेंगे। ये कितना है, सिक्स कितना है, फाइव पॉइंट कितना है, एट नाइन है। इसकी हमने हाफ कर ली, सपोज ये सिक्स है। ठीक है, अगर ये सिक्स का है तो सिक्स के हाफ क्या होता है, थ्री। तो हमने थ्री इसको क्या किया, राउंडर्स इसको मेजर किया। ठीक है, ये थ्री हमने मेजर कर लिया। फिर हमने उसको रखा एम पर, तो एक यहाँ आर्क लगाएंगे। ठीक है, एक यहाँ आर्क लगाया, फिर एल से रख के उस आर्क को क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया। ठीक है, फिर उस जो पॉइंट आया हमारा उसको हमने नेम क्या दे दिया, क्यू। अब ये क्या हो गया, अब हमने क्यू, और ये जो आएगा आपका बेटा पी के जस्ट सामने आएगा क्यू, और आप इन दोनों को मिला दोगे तो एक क्या बन जाएगी आपकी, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। इसमें आप राइट क्या करोगे, इसमें आप राइट करोगे जो जो आपने किया है वही आपको क्या करना है बेटा, राइट करना है। फर्स्ट आप क्या राइट करोगे, फर्स्ट आप राइट करोगे ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड टेक अ पॉइंट पी ऑन इट। ठीक है, आपने ए बी लाइन ड्रॉ की थी और उस पर क्या लिया था, पी पॉइंट लिया था। प्लेस द मेटल पॉइंट ऑफ द कंपास ऑन पॉइंट पी, आपने पी पर रखा। ठीक है, पी ऑफ द गिवन लाइन ए बी पर विथ पी एस सेंटर, आपने क्या किया, पी को सेंटर मानकर। एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस, एक अपनी सुविधाजनक आपने खुद से रेडियस ले ली। अब आपको उससे इस राउंडर को आपको क्या नहीं करना है, इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो ये रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड फिर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन ए बी एल एंड एम, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसको, ए बी को, पॉइंट इनको दे दिया हमने एल और एम ने। ठीक है, यहाँ से इधर इसको लगाया और अपने मन से लेना है, एक यहाँ लगा दिया। फिर जो हमारा ये पॉइंट आया था हमने इनको मेजर किया, इन दोनों एल और एम की डिस्टेंस को, फिर उसकी क्या की, हाफ, वही हमने यहाँ राइट किया है, विथ एम एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ। हमने एम को सेंटर मान के एल एम जो रेडियस जो एल एम थी उसका हमने हाफ किया, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाया। ठीक, फिर विथ एल एस सेंटर, फिर वैसे ही एल को हमने सेंटर माना। ठीक, उसके बाद क्या किया, एल को सेंटर मानकर, ठीक, तो इस आर्क को हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। देखिए इधर एल एस सेंटर एंड द सेम रेडियस, ड्रॉ एन अदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट क्यू, जो हमने क्यू लगाया था उसको इंटरसेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, ज्वाइन क्यू एंड पी, क्यू और पी को क्या कर दिया, मिला दिया। हैंस क्यू पी, जो क्यू पी आई या पी क्यू इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ऑन द गिवन लाइन ए बी एट द पॉइंट पी। इस टाइप से आपको ये
राइट कर देना है फर्स्ट क्वेश्चन में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने पी क्यू 7 सेंटीमीटर की एक लाइन क्या कर ली है, ड्रॉ कर ली। ओके, टेक अ पॉइंट आर ऑन इट सच दैट पी आर इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। अब बेटा इधर क्या दिया था, एक आपको ए वी लाइन ड्रॉ करनी थी, उसमें सेंटीमीटर नहीं दिया था कि इतने सेंटीमीटर की, एक पॉइंट लेना था अपने मन से पी इसके ऊपर। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट करना था परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू। ठीक है, इस पर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, पी क्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने पी क्यू 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। देन टेक अ पॉइंट आर ऑन इट, इस प्रकार से लेना है कि पी आर किसके इक्वल हो, 3.2 सेंटीमीटर। तो देखो पी ये रहा पॉइंट, इससे हम स्केल से मेजर करेंगे कितना चाहिए हमें, 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर मेजर कर लिए। ओके, तो ये आ गई हमारी 3.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, जैसे आपने वहां पर पी था आपका, पी को आपने सेंटर माना था, यहाँ हम किसको, आर को अपने मन से आर को हम सेंटर मानेंगे और कन्वीनियंट क्या लेंगे, एक रेडियस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक अपने मन से हमने एक रेडियस ली। ठीक है, तो एक यहाँ आर्क लगाया। ठीक, ये आर्क लगा, एक एक यहीं से लगा दी। ठीक, एक ये आर्क लग गया। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं हम, इसको हमने नेम दे दिया कुछ, इसको दे दिया एल, इसको दे दिया एम। ठीक है, दोनों आर्क लग गए, जो कि किसको कट कर रहा है, पी क्यू को कट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हम L और M को मेजर करेंगे। सब L और M कितनी है, 4.2 है, तो 4.2 की हाफ कितनी होती है, 2.1 हमने क्या ले ली, रेडियस ले ली। तो क्या करेंगे हम, M को सेंटर मान के एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, 2.1 से, तो और यहां से लेंगे, तो इसको क्या कर देंगे। ठीक है, यहां से हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट, यहां से हमने इसको क्या कर दिया, कट, आर्क को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां से हमने आर्क को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो हमने आर्क लगाया था, जो पॉइंट आया था, वो हमने उसको नेम दे दिया टी। ठीक है, टी आर पूछा है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, टी, और टी और आर को हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी परपेंडिकुलर लाइन टी आर, किस पर है, जो कि पी क्यू पर। अब इसको राइट कैसे करोगे, इसको राइट आपको इस टाइप से करना है, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड टेक अ पॉइंट आर ऑन इट सच दैट पी आर इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप से प्लेस द मेटल पॉइंट ऑफ द कंपासेस ऑन पॉइंट आर ऑफ द गिवन लाइन पी क्यू। ठीक है, विथ आर एज सेंटर, हमने आर को सेंटर मानकर एक क्या ली, कन्वीनियंट रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन पी क्यू एट एल एंड एम, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एल और एम पर, विथ एम एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एन एल एम। अब हम क्या करेंगे, एल एम को मेजर करेंगे और हम इसकी हाफ करेंगे, और फिर यहाँ से एल से एक आर्क लगाएंगे, वही मैंने राइट किया है, ड्रॉ एन आर्क विथ, अब हम किसको सेंटर मानेंगे, एल को, एल एज सेंटर एंड सेम रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट टी। अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे टी एंड आर को, हेंस टी आर इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ऑन द गिवन लाइन पी क्यू एट द पॉइंट आर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर टू में राइट कर देना है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर टू के जैसा है, आप करके देखिएगा, बन जाएगा। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल वैसे ही राइट करना है जैसे आपने सेकेंड वाला किया था। ठीक है, अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, ड्रॉ अ लाइन ए बी टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट, एक हमें लाइन ड्रॉ करना है और एक पॉइंट लेना है टी इसके बाहर की, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी,
एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पास होती है पी से एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, और जो कि ए बी पर क्या है परपेंडिकुलर। जैसे बेटा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया आपको, वो लाइन पी ए बी पर था एक पॉइंट, लेकिन एक ए बी लाइन है वो जो पॉइंट है वो आउटसाइड है इसके बाहर की ओर है, और हमें लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पी से होकर जाती है और ए बी पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम किस टाइप से करेंगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले हम ड्रॉ एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कर ली। अब क्या है, इसके बाहर की ओर एक पॉइंट पी ले लिया हमने, सपोज यहाँ ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको सेंटर मानेंगे और कोई भी एक रेडियस लेंगे। ठीक है, हमने ले ली। अब यहाँ हमने एक आर्क लगाया और एक यहाँ आर्क लगा दिया। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, इनको दे दिया एल और एम ने। ठीक, कितना बन जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एल और एम को मेजर करेंगे जैसे हम इसमें करके आए हैं। ठीक है, इनको अब हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये हमारी थी, हमने मेजर की है वो 6 सेंटीमीटर थी, 6 का आधा कितना होता है 3। तो एल को सेंटर मानकर एक हमने एक आर्क लगाया 3 सेंटीमीटर का, 3 रेडियस ली हमने एक यहाँ, और फिर एम से इसको क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट किया। ठीक है, जो ए हमारा क्यू पॉइंट आया है इसको हमने नेम दे दिया क्यू, और आप इसका पी के क्या आएगा, इसके सामने आएगा। ठीक है, तो इसको क्या, पी और क्यू को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। इस टाइप से आपकी परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखोगे किस टाइप से देख लीजिए, विथ पी एस सेंटर एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन ए बी एट एल एंड एम। जैसा कि हम सभी क्वेश्चन में लिखते आए हुए हैं, एक ए बी हमने ड्रॉ की, एक पॉइंट ले लिया फर्स्ट। अब हमने पी को सेंटर माना, एक रेडियस ली जो कि इस पर हमने आर्क लगाया, किस पर, ए बी पर, एल और एम। अब हमने एल को सेंटर माना एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एल एम, इसकी एल एम की हमने क्या ली, आधे से ज़्यादा, थोड़ी सी हमें ज़्यादा लेना है ताकि हमारा आ जाए। अगर आप एक सी लोगे तो नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा लोगे तो आ जाएगी। ड्रॉ एन आर्क ब्लो लाइन ए बी, ठीक है, ए बी के नीचे हमने इसको क्या किए, आर्क लगाए, विथ एम एस सेंटर। अब हमने एम को सेंटर माना, ड्रॉ एन अदर आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस एट क्यू, जो कि क्यू को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अब हमने क्या किया, ज्वाइन पी एंड क्यू विच कट्स द लाइन ए बी एट, ठीक है, इस ओ पॉइंट पर इनको क्या कर रहे हैं, वो कट कर रहे हैं। हैंस पी ओ इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ऑन द गिवन लाइन ए बी फ्रॉम द पॉइंट पी आउटसाइड इट। ठीक है, ओ पी पी ओ क्या आ गई, लाइन आ गई। इस टाइप से आपको राइट कर देना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा इसी की तरह है, आप करके देखिएगा। इन्होंने ड्रॉ अ लाइन एम इन द सेम मैनर एस ऑन एंड टेक एनी पॉइंट टी आउटसाइड इट। यहाँ क्या लिया था, पी लिया था, यहाँ क्या ले लिया, टी। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम टी। अब आप क्या करोगे, टी से अपने मन से रेडियस लोगे, यहाँ आर्क लगाओगे इस पर एम पर। ठीक है, फिर एल और एम को मेजर करोगे, उसकी आधी से ज़्यादा लेकर यहाँ क्या लगाओगे, इसके नीचे आर्क लगाओगे। ठीक है, बन जाएगा, करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरह ही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, जो कि कितनी रहेगी, 5.6 सेंटीमीटर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी, हम एक परपेंडिकुलर बाई सेक्टर बनाना है किस पर, किसका, ए बी का। ओके, तो देखिएगा किस टाइप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है बेटा, ए बी हमने ड्रॉ कर ली लाइन 5.6 सेंटीमीटर की। अब इस पर हमें परपेंडिकुलर बनाना है और बाइसेक्ट करना है ए बी सी को। ठीक, तो किस टाइप से करेंगे, 5.6 थी हमारी ये टोटल। अब इसको 5.6 के हाफ कितने होते हैं, 2.8। अब हमें 2.8 से क्या करना है, ज़्यादा की रेडियस की क्या लेनी है, एक ज़्यादा की रेडियस लेना है। यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे,
ये हमने 3 सेंटीमीटर की ली हुई है। यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे, ठीक, यहीं से इसको ए सेंटर, आपको चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपका, अब बी से इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक। अब जो हमारे यहाँ पॉइंट आ गए, हमने इनको नेम दे दिया पी और इसको दे दिया क्यू, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक, इसको हमने नेम दे दिया एम। अब हम ए और एम को मेजर करेंगे तो 2 पॉइंट बेटा हमारी 8 ही आएगी, क्लियर, ठीक, 2.8 आई हमारी, ठीक है, यही पूछा गया था। तो ये पी क्यू क्या आ गई, जो आ गई परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर, यही पूछा गया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है आपका। इसको राइट किस टाइप से करोगे देख लीजिएगा। फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। सेकेंड विथ ए एस सेंटर, आपने ए को सेंटर माना था, एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ए बी की आपने आधी की, उससे ज्यादा थोड़ी ले ली, तो क्या कर दी, आर्क लगा दिए, ठीक है। इसकी टू आर्क एन आइदर साइड, इसकी दोनों ए बी की, विथ बी को सेंटर माना, आपने आर्क लगाया, सेम रेडियस ड्रॉ द अदर आर्क ऑन द आइदर साइड ऑफ ए बी इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क, जो कि इंटरसेक्ट करता है प्रीवियस आर्क को, एंड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अब हमने P और Q को क्या कर दिया, ज्वाइन की ज्वाइन कर दिया, जो कि कट विच कट द लाइन सेगमेंट ए बी एट M, ठीक। हैंस पी क्यू इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, क्लियरली ए एम इज इक्वल टू एम बी, कितनी आ गई, 2.8 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th करना नहीं है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एंगल वाले करेंगे, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ तक जो भी डाउट हो बेटा, तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ओके, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।